दोस्तों Xiaomi ने अभी इंडिया में Redmi Note 5 और Note 5 Pro को लॉन्च किया था, जबकि अभी कुछ दिन पहले लॉन्च किया है Redmi 5। लेकिन यहाँ पर Redmi Note 5 Pro की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जबकि Redmi 5 और Redmi Note 5 की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। और जितनी यहाँ पर Redmi Note 5 Pro की डिमांड है, उतने ज़्यादा यूनिट्स यहाँ पर Redmi उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। तो यहाँ पर Redmi 5 और Redmi Note 5 को लोग इतने नहीं परचेज़ कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए Xiaomi ने जो फ्लैश सेल थी Mi.com, यानी कि जो MI का ऑफिशियल स्टोर है, वहाँ पर जो फ्लैश सेल थी उसको ख़त्म कर दिया है। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर परचेज़ करना चाह रहे थे Redmi 5 या Redmi Note 5, तो अब आप बिना किसी फ्लैश सेल का इंतज़ार किए खरीद सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, फ्लिपकार्ट पर अभी भी Redmi Note 5 और Note 5 Pro या Redmi 5A की जो सेल दिखाई जा रही है, वो यहाँ पर 21 मार्च 2018 दोपहर 12 बजे की दिखाई जा रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाते हैं MI के ऑफिशियल स्टोर या जो आपका जो मी स्टोर है, इस पर आप जाते हैं, तो यहाँ पर आपको Redmi Note 5 फ़िलहाल मिल जाएगा। देखिए बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है और फिलहाल आप टाइम ऊपर देख सकते हैं, 10:09 हुए हैं। तो Redmi Note 5 यहाँ पर ब्लैक और जो गोल्ड वेरिएंट है, वो बिना किसी फ्लैश सेल के उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो है Redmi Note 5 को इतना लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। लोग यहाँ पर परचेज़ करना चाहते हैं Redmi Note 5 Pro। अगर आप यहाँ पर 4GB वेरिएंट देखेंगे, तो सिर्फ जो यहाँ पर जो गोल्ड कलर है और ब्लैक कलर है, वही फ़िलहाल उपलब्ध है, यानी कि लेक ब्लू और जो रोज़ गोल्ड है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अगर Redmi 5 की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं जो ब्लैक वेरिएंट है 2GB वाला, वो उपलब्ध है, जबकि गोल्ड उपलब्ध नहीं है, लेक ब्लू यहाँ पर कोई भी उपलब्ध नहीं है, और 3GB और 4GB रैम में वेरिएंट उपलब्ध नहीं है, जबकि 2GB रैम में आपका Redmi 5 ब्लैक कलर में उपलब्ध है मी स्टोर पर बिना किसी फ्लैश सेल के। तो दोस्तों यहाँ पर Xiaomi के द्वारा Redmi 5 और Redmi Note 5 को लॉन्च तो किया गया है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो उसके हिसाब से यहाँ पर करीबन 1000 रुपीज़ ज़्यादा रखे हैं Redmi 5 के साथ में। Redmi Note 5 के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो लगभग जो Redmi Note 4 था उसी के जैसे, सिर्फ यहाँ पर जो है डिस्प्ले का डिफरेंस है। तो इसी को देखते हुए जो लोग परचेज करना चाह रहे हैं, वो Redmi Note 5 Pro परचेज करना चाह रहे हैं, तो इसलिए जो Xiaomi के Redmi 5 और Redmi Note 5 हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा यूनिट जो है Xiaomi के पास बचे हुए हैं, तो फिलहाल उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है बिना किसी फ्लैश सेल के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें परचेज़ कर ले और Xiaomi का जो बचा हुआ स्टॉक है वो यहाँ पर निकल जाए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या आप यहाँ पर Redmi 5 या Redmi Note 5 परचेज़ करना चाहते हैं, या आप परचेज़ करना चाहते हैं Redmi Note 5 Pro। आपका जो भी ओपिनियन हो, आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।